कराची में शेरशाह में गुलबाई पुल पर ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर उलटने से आग लग गई। आग ने मुतअद्दिद गाड़ियों को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब। करीबी इलाकों में धुएं के बादल छा गए। पहले ऑयल टैंकर के उलटने से दूसरे ऑयल टैंकर को आग लगी। कराची के डेयरी फार्मर्स की मनमानियां। दूध 23 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। नई रिटेल कीमत 120 रुपए फी लीटर हो गई। होलसेल कीमत 108 रुपए फी लीटर मुकर्रर। एशियाई बैंक और आलमी बैंक के बाद आलमी मालियाती इदारे ने भी पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। मुआशी इशारियों में बेहतरी के लिए इकदामात का मशवरा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार में कमी और बेरोजगारी में इजाफा होगा। रवा माली साल इकतसादी तरक्की 2.9%, बजट खसारा 7.2% तक रहने का इम्कान। शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से बरास्ता दोहा लंदन के लिए रवाना। अपने पोते और पोती से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ लंदन में अपना तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। ऑपोजिशन लीडर चंद रोज में वतन वापस आ जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में तूफानी बादू बारा। पेशावर, सवाबी, मर्दान, डेरा इस्माइल खान, जमरोद, बटखेला, रावलपिंडी में आंधी और बारिश से तबाही। कई छतें और दीवारें गिर गईं। कांस्टेबल समेत 6 अफराद जान बहक, 26 जख्मी। पेशावर में आंधी से BRT स्टेशन की सीलिंग उखड़ गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम, अटक सर्कल और कश्मीर के 173 फीडर्स ट्रिप कर गए। भारत में मुसलमानियत पर हमला किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मोदी भी इसराइली वज़ीर आज़म की तरह खौफ और कौम परस्ती के कार्ड पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। BJP के इंतखाबात जीतने पर भारत से अमन मुज़ाकरात का बेहतर मौका मिलेगा। भारत में अगली हुकूमत कांग्रेस की हुई तो पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर पर मुआहदा मुश्किल होगा। BJP जीत गई तो शायद मसला कश्मीर का कोई हल ना निकल सके। बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की उबूरी जमानत का आज आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कानूनी टीम से मुशावरत। जरदारी फरियाल का आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने का भी फैसला। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की जमानत 10 अप्रैल तक मंजूर की थी। सहराए थर से पाकिस्तान को रोशन करने का ख्वाब पूरा होने को है। थर के कोयले से बिजली की पैदावार जारी। 660 मेगावाट के 2 मंसूबे नेशनल ग्रिड से मुंसलिक। बिलावल भुट्टो इस्लाम कोट में आज मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। जो है उनका जो इस वक्त केस है वो 2 साल से वो स्टे के ऊपर बैठी हुई है। बिजली चोरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज हदायत की है जो बड़े लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ऊपर आप पहले हाथ डालें। बिजली चोरी में अब तक तकरीबन 40 अरब रुपया जो है उसके लॉसेस कमी आई थी। गैस और बिजली चोरी में हिना रब्बानी खर समेत बड़े बड़े लोग मुलविस हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने बड़े बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी।
हिना रबानी का फवाद चौधरी को हट जाने का नोटिस भेजने का ऐलान, कहा किरदार खुशी पीटीआई का वतीरा बन चुकी है। वजीर इत्तला'आत ने जवाब में बिजली बिलों की तफसलात शेयर कर दी। वकीलों पर पैसा जाया करने के बजाय बिल अदा करने का मशवरा। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में वजीर आजम की हिदायत पर तब्दीलियां। अंदरून मुल्क काला धन सफेद करने पर 7.5% और बैरून मुल्क काला धन सफेद करने पर 5% टैक्स की तजवीज। बेनामी अकाउंट्स क्लियर कराने पर 2% मजीद टैक्स लिया जाएगा। बड़े ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों को स्कीम में शामिल होने की इजाजत की तजवीज मुस्तरद। पीटीआई चेयरमैन पार्टी में ग्रुपिंग से नाला। नए पार्टी आइन में ग्रुपिंग के खात्मे का सदेबाब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए पार्टी आइन का मुसविदा तैयार। किसी भी इख्तलाफ पर इंजबाती कमेटी हतमी फैसला करेगी। आइंदा 2 हफ्तों में इमरान खान पार्टी आइन की हतमी मंजूरी देंगे। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस मुकाबला। डकैत गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजमान का दौरान डकैती 5 शहरियों के कत्ल का एतराफ। रोजाना 2 से 3 डकैती की वारदातें करते। अलियास नामी शख्स से असलहा 3 से 5 हजार रुपए किराए पर लेते। मुलजिम लूटी हुई रकम नशे के लिए इस्तेमाल करते थे। उधर मुरीद गोट से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार, असलहा भी बरामद। कराची में रोटी रोजी के लिए कचरा चुनने वाले बच्चों को गंदे नालों ने निगल लिया। कलंद्रिया चौक के करीब 4 बच्चे नाले में गिर गए, 3 बच्चे डूब कर जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। 4था बच्चा डूबने से बच गया। नाले में गिरने के बाद खुद ही बाहर निकलने में कामयाब हो गया। कराची से मॉडलिंग के लिए लाहौर आने वाली लड़की कत्ल। लड़की की लाश 3 दिन पहले शाहदरा से मिली। मकतूला की शनाख्त इकरा सईद के नाम से कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला का वालिद और खाला कराची से लाहौर आ रहे हैं। उनके पहुंचने पर केस की तफ्तीश का दायरा बढ़ाया जाएगा। रावलपिंडी में भाई ने 2 बहनों को गोलियां मारकर खुदकुशी कर ली। नूरुन्निसा नामी एक बहन मौके पर जान बहक। शमसुन्निसा नामी दूसरी बहन की हालत अस्पताल में तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक राशिद सत्ती अदालती अहलकार था। इब्तदाई तौर पर वाकया गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। उधर इस्लामाबाद में छोटे भाई ने बड़े को कत्ल कर दिया। जर्मनी में मुकीम कश्मीरी और सिख रहनुमाओं की जासूसी करने वाला भारतीय जोड़ा पकड़ा गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मनमोहन और कंवलजीत 2015 से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी कर रहे थे। दोनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इसराइली इलेक्शन के नतीजे का सिलसिला जारी। नेतन्याहू और उनके हरीफ बेनी गेंट्स के कामयाबी के दावे। मुकम्मल नतीजे जानने के लिए दोनों जमातों के हामी पार्टी हेडक्वार्टर्स में जमा। इब्तदाई जायजों के मुताबिक नेतन्याहू की पोजीशन बेहतर है। ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार देने से खित्ते पर बुरे असरात पड़ेंगे। इराकी वजीर आजम का कहना है कि अमरीकी फैसला इराक पर भी मनफी असरात मुरतब करेगा। इराक ने अमरीका को फैसला करने से रोकने की कोशिश की। हमारे अमरीका और ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब में मौसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। रियाद समेत दीगर शहरों की अहम शहराहें पानी से भर गईं। यालाबारी के बाय सहराओं ने सफेद चादर ओढ़ ली। बारिश के पानी ने सहराई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल अख्तियार कर ली।
वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस की टिकट्स की फरोख्त आज शुरू होगी। इंग्लैंड और वेल्स में वार्म अप मैचेस 24 से 28 मई तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैचेस खेलेगा। वर्ल्ड कप 2019 का आगाज 30 मई से होगा।